बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम लोग बनाएंगे मैंगो सलाद। उसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो कच्चे आम लिए हैं, उनको भी मैं ना छील लेता हूँ। ये सख्त होने चाहिए, नरम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इनको ऐसे सबको छील के फिर आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए जो आम है वो मैंने छील लिए हैं, अभी इनको मैं ना कद्दूकस करता हूँ। ये देखें आपके सामने, ये देखिए जी मैंगो का खट्टे मीठे जो हम लोग सलाद बनाए उसके लिए मैंने तीन ये रेड चिली ली है फ्रेश वाली और दो प्याज ली है। इनको मैं अभी चॉप कर लेता हूँ। ये देखिए जी इसको ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लेना है। जी चॉप करके तो हम लोगों ने ये जो मैंगो का खट्टा मीठा सलाद में उसके अंदर डालना है। ये चॉप हो गया, इतना बारीक होना चाहिए जी, ठीक है जी। बाकी भी चॉप करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जी जो प्याज था वो चॉप हो चुका है। अभी इसको मैं इस मैंगो को जो हम लोगों ने पहले कद्दूकस किया था उसके अंदर डाल रहा हूँ। तो प्याज हम लोगों ने डाल दिया। अभी ये जो मिर्चें हैं इनको भी चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक। ये मिर्चें असल में ग्रीन ही होती हैं तो पड़ी पड़ी ये रेड हो जाती हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप ग्रीन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए इसको इस तरह बिल्कुल बारीक करना है। ठीक हो चुका है, अब इसको भी सलाद के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए जी मैंगो का खट्टा मीठा जो सलाद हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं अभी एक चम्मच ये शहद का डाला है मैंने, और आधा और डालना है, डेढ़ चम्मच डालना है शहद का इसके अंदर, ठीक है जी। ये इसके अंदर डल गया। इसके बाद हम लोग डालेंगे एक चम्मच जैतून का ऑयल। अगर आपके पास जैतून का ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। ठीक है जी ये इसके अंदर डल गया। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखिए जी हमारा मैंगो का जो खट्टा मीठा सलाद है वो बन चुका है। अभी इसको प्लेट में डाल लेते हैं। ये देखिए जी हमारा मैंगो का खट्टा मीठा जो सलाद हम लोगों ने बनाया है वो बन चुका है। इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें आप भी घर पर बनाए, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।